हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो दोस्तों, आज मेरे पास एक इलेक्ट्रिक केटल है, तो ये चल नहीं रही है। इसमें देखते हैं हम क्या फॉल्ट है। तो मैं इसको खोल लेता हूँ केटल को। दोस्तों, इसकी पिन वगैरह ये जल चुका है, जो ये इसका सॉकेट है ये देख सकते हैं आप। और जो इसमें लगा हुआ है टॉप इसका सॉकेट, ये भी तकरीबन इसमें भी ये भी जल चुका है। तो हमें दोनों चेंज करने पड़ेंगे। इसका ये भी निकालना है और ये भी। अब ये सेट नया लाना है हमें, तो इसको भी हम खोल लेते हैं। इसके भी हमें ये तीन पेंच खोल लेने हैं, फिर ये बाहर आ जाएगा। तो इनको खोलने से पहले हमें इनकी पिन निकाल लेनी है, एक दो तीन और एक चार। तो इसको याद रखना है आपको, आपने कहाँ से निकाली थी कौन सी पिन, या इस पर आप निशान लगा सकते हैं, कोई भी निशान किसी तरीके का इसके के साथ। तो इसमें किसी पेंसिल वगैरह मार्के की मदद से हम दो वायर पर निशान लगा लेते हैं। और इस साइड में अब ये जो दो एक साइड में ज़रूरत नहीं है हमें, हमने एक साइड में लगा दिया मैंने निशान। अब इनको खोलने में आसानी होगी। और ये मैंने चार उसके नट खोल दिए, अब ये आसानी से बाहर आ गया है, देखिए। तो अब इसको दिखा कर हमें सेम ऐसा ही लाना है मार्केट से। तो दोस्तों, मेरे पास इतना ये पिन सेट है, देख सकते हैं आप। और जो ये पुराना वाला है ये देखिए, ये इसमें फंस चुका है, इसके अंदर ये जाम हो चुका है। इसका ये निकल कर इसके अंदर फंस चुका है, जाम हो गया है। तो अब हम इसे इसमें चेंज लगाएंगे। इन दो पिनों को हमें इसके सामने रखना है, इस साइड में। और अब इसके हम ये नट लगा देंगे पेंच। उसको प्लास की मदद से अच्छी तरह टाइट कर लिया मैंने। तो दोस्तों, अब इसका जो ये वाला सॉकेट है, ये पिन, ये देखिए ये, और इसमें कितना है फ़र्क। ये जल चुका है पूरा, और ये नया वाला। तो हम इसकी ये पिने निकाल लेंगे, तब वायर को इस तरीके से खींच के आप आराम से और ऐसे लगा दें इसको। और ये देखिए, बड़ी आसानी से ये इसमें फिट हो चुका है। तो हम इसे यहाँ पर इसकी जगह पर फिट कर देंगे।
और फिर इसके ऊपर हमें इसका ये कवर लगा देना है। ये देख सकते हैं आप एक ही निशान, और एक यहाँ पर है इसके इस सॉकेट पे, यहाँ इस जगह, इसको यहाँ बराबर इसके साथ में। और अब इसके तीन स्क्रू लगाने हैं। तो अब हमें इसके कनेक्शन देने हैं, जो पिने मैंने निकाली थी। ये देख सकते हैं आप, ये निशान लगाया था मैंने एक पेंसिल का यहाँ और एक इस वायर के ऊपर, ये दिखाई दे रहा है। इसको इस लगाएंगे और ये वाली इसमें, अब ये है दूसरा निशान जो मैंने लगाया था ये पेंसिल का, यह यहाँ पर, ये इधर इसमें लगेगा इस, तो इस पर थोड़ा जंग लग चुका है कार्बन, इसको पहले थोड़ा घिस लेते हैं। तो दोस्तों अब ये वाली, इसको मैंने अच्छी तरह साफ कर दिया है इसका जंग, इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। और इस वाली को यहाँ पर हेलमेट में, दोस्तों आपको इसको यहाँ ऐसे फिट करना है। इंडिकेटर का ये है, ये इंडिकेटर इसका यहाँ इस जगह पर आना चाहिए। आप देख सकते हैं इसमें इतना ये गेप है, ये इंडिकेटर के लिए है, फिर ये आसानी से बंद हो जाएगा। तो ये हो चुका है बंद, अब इसमें लगाएंगे मैं तीनों स्क्रू। तो दोस्तों ये हो चुकी है फिट, इसमें तीनों स्क्रू लगा दिए मैंने, अब इसे हम चेक करते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा पानी डाल देता हूँ। और इसका इंडिकेटर ऑन हो चुका है। और ये देखिए पानी गर्म हो चुका है, ये भाप उठने लगी है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।